नमस्कार मेरे कैप्रिकॉर्न मित्रों, स्वागत है आपका आनंद शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीम में। और आज मैं लेके आया हूँ आपकी राशि और फरवरी का मंथ 2018 क्या होगा खास। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके ऊपर है सारस्वती, शनि की सारस्वती। शनि है आपके राशि लॉर्ड और वो बैठे हैं 12th हाउस में। तो सबसे पहले इसका असर क्या होगा, जो आपकी राशि के ऊपर सेहत कैसी रहेगी, तो मैं बता दूं अष्टमेश सूर्य आपकी राशि से और शनि अपनी ही राशि से 12th हाउस से, तो सेहत के मामले में ये महीना आपको बहुत 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 सावधान होना पड़ेगा। सेहत के सिलसिले में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपकी होंगी। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है एग्रेसिवनेस, दूसरी है आपका बार बार विजिट करना खुद के लिए, किसी और के लिए हॉस्पिटल की यात्राएं जो हैं आपकी बनती रहेंगी। आपको बैक में हार्ट रीजन के आसपास कुछ तकलीफें हैं जिसका आपको सामना करना पड़ेगा। जो लोग किसी तरह से भी एक्जिमा, जिनको चमड़ी का रोग है, उनको बहुत ध्यान देना होगा कि आप बहुत सावधान रहें, ये चमड़ी रोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करना कर सकता है। गुस्से के ऊपर आपको इस बार काबू पाना होगा, गुस्से में इंसान अपने शरीर का ही नाश करता है, तो आपको बहुत सावधान। मैं ये कहूँगा कि मंथ ऑफ फरवरी आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत अच्छा शुरुआत में नहीं रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके लिए एक अच्छी समाचार, जिसको कह सकते हैं एक अच्छी बात मैं देख रहा हूँ हेल्थ के मामले में, वो देखने को मिलेगी। जहाँ तक बात है कुटुंब की, जब हम बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि रिश्तों की बात करते हैं तो कुटुंब एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है, आपके माता पिता, आपकी अपनी इमीडिएट फैमिली हो जाती है, आपके बच्चे बहन भाई, ये सारे रिश्तों की अगर मैं बात करूँ तो इस बार सबसे पहले देखूँ कि रिश्तों में कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में सहयोग की भावना दिखाई दे रही है, एक अच्छी स्थिति बनी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग आपसे लाभ लेने की कोशिश करेंगे। यही वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाए। आप पैसे भी लगाएं लेकिन लोग आपको बिल्कुल भी आपका नाम ना लें, आपका गुणगान ना गाएं, ये गुस्से का कारण स्वाभाविक है, हो सकता है और होना भी चाहिए कि जब आप करें। तो ऐसी स्थिति में आपको देखना होगा कि आप कितनी मात्रा में किसी चीज़ को कर सकते हैं। आप बढ़ चढ़ के किसी चीज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं और वहाँ पे अगर मुश्किलें हो रही हैं तो फिर आपको अपनी समझ का उपयोग करना होगा। तो रिश्तों में बहुत गहराई, बहुत अपनापन जहाँ दिखाई दे रहा, मतलब के रिश्ते आपके दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ आपके बहन भाई और उनसे आपके संबंधों की, तो निश्चित तौर पे उनसे इस बार आपका डिस्प्यूट हो सकता है, आर्गुमेंट हो सकता है, ईगो जो है वो बड़ी खड़ी हो सकती है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक उम्मीद ऐसी लगती है कि जैसे हम चले तो बहुत थे लेकिन अब अकेले से हो गए हैं, कि समय ने, जरूरतों ने सबको बदल दिया है, सब कुछ करने के बावजूद भी अब कोई साथ नहीं है, लेकिन क्या करें, ये सिलसिला ही कुछ ऐसा है कि जिसमें ये सारी चीज़ होती है। लेकिन एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि आपकी संतान निश्चित तौर पे आपके साथ रहेगी, वो आपका मनोबल बढ़ाती रहेगी, वो कहेगी कि कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है तो हम तो हैं, हम आपके साथ हैं, आप चिंता है। तो ये एक हिम्मत आपको कहीं ना कहीं संतान की ओर से मिलेगी, संतान प्राप्ति के लिए एक उत्तम योग जिसको हम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। संतान प्राप्ति का योग अच्छा बना हुआ है, संतान से लाभ की स्थिति बनी हुई है, संतान से अच्छे संबंधों की स्थिति आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बनी हुई है। अगर मैं माँ बाप की बात करूँ तो माँ बाप से बेहतर रिश्ता क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इस बार माँ और बाप की जो स्थिति है अगर हम उसको देखते हैं तो यह भी कहीं ना कहीं आगे पीछे होके आपको सपोर्ट कर जाएंगे, लेकिन सामने से सपोर्ट करने में इन्हें भी डर लगेगा क्योंकि इन्हें बाकी रिश्ते भी बना के रखने होते हैं, पर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, आगे पीछे होकर आपकी मदद कर देते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं संतान और माँ बाप की तरफ से आपको एक अच्छा सपोर्टिंग रोल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अच्छी बात मुझे दिखाई दे रही है। वहीं पार्टनर की बात करूँ तो पार्टनर साथ तो रहेगा लेकिन उसकी हेल्थ खराब होगी, और पार्टनर के अपने ही जैसे कह सकते हैं कि उसकी अपनी फैमिली में, मायके में, उसके में कुछ ना कुछ ऐसी झगड़े होंगे या उसके अपने परिवार में ऐसे झगड़े हो सकते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लैक ऑफ कम्युनिकेशन लगेगा, और शायद ये फ्रस्ट्रेशन जो है, ये एंगर जो है, ये गुस्सा जो है, ये हेल्थ की स्थिति जो है इस बार आपकी, वो आपके रिश्ते को भी प्रभावित करेगी। और ये समय बिल्कुल भी नहीं है शादी के लिए बेहतर मंथ नहीं है, शादी एंगेजमेंट के लिए बेहतर मंथ नहीं है, किसी को प्रपोज करने के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। आपको इस चीज़ का परहेज रखना है, ये ध्यान रखना है कि इस महीने में एक अच्छी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तरफ बढ़ के आ रही हैं, वो क्या होगी आगे मैं बताता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर आपको सारा दारोमदार जो है बिल्कुल नहीं छोड़ देना है, इस बात का आपने साथ में ध्यान रखना है। अगर यही बात मैं करूँ कि घर गाड़ी के लिए आपका क्या होगा, आप घर लेना चाहते हैं, आप मूव होना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी परिवर्तन यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि घर के अंदर ही कुछ हो सकता है, कोई एक्सटेंशन हो सकती है, घर के अंदर ही कुछ नया हो सकता है, रेनोवेट किया जा सकता है, उसको रंग रोगन किया जा सकता है, तो थोड़ी सी जो चेंजेस है वो घर के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है और उनको कर लेना भी जरूरी है। करते रहिएगा
ताकि जो नेगेटिविटी है, जो आपके क्लटर जमा कर रखा है आपने, रविश बहुत सारा इकट्ठा हो गया, उसको निकाल दें ताकि पॉजिटिव एक आपको एनर्जी वहाँ पे हो, एक अच्छी चीज़ आप देखें, कुछ नया करने की कोशिश करें अपने घर के अंदर। बाहर तो झगड़े हैं लेकिन घर के अंदर तो आपके मन में तो कुछ अच्छी बातें हों, इसको आपने प्लान करना है कि सारी चीज़ें हों। अब बात ऐसी है घर गाड़ी की, हम बात करें, हाँ गाड़ी आपकी जरूर इसमें इस समय में अच्छी हो सकती है। गाड़ी के मामले में आप लकी रहेंगे, निश्चित तौर पर इसके ऊपर आप इन्वेस्ट करें तो आपको लाभ मिलेगा। अब बात आ जाती है कि भाई खर्चे हो रहे हैं, पैसा आएगा करेंगे, तो ये मैं कह रहा था कि एक अच्छी चीज़ में आते हुए देख रहा हूँ, वो है पैसे का फ्लो, पैसा मनी। वो कहीं ना कहीं सिक्स हाउस जो है आपकी कुंडली में वो दिखा रहा है कि कोई ना कोई तो आपको मिल जाएगा, कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई डील, कोई नया वेंचर जो है आप करेंगे, जॉब इंटरव्यू में कामयाबी। अच्छी बात यह है कि इस महीने में लगभग बहुत सारी राशियां हैं जिनको जॉब में सफलता मिलती हुई दिखाई दे, इसका मतलब कि आप जॉब इंटरव्यू में सफलता प्राप्त कर लेंगे। अगर आप किसी तरह से भी शेयर मार्केट में हैं, आईटी से जुड़े हुए लोग हैं, आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप कम्युनिकेशन से, आप ट्रैवल एजेंट हैं, आप कुछ भी ऐसा अगर करते हैं, आप रेडियो प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे ये अपने आप एक बहुत अच्छी बात है। आप में इस बार दम है कि आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे और आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद है। आपको लोन लेने की इच्छा हो सकती है, उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे जाती है। कहें कि आप सीधा बैंक से ना लेके किसी संबंधी से अगर पैसे मांगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा होगा और उसमें आपको लाभ जो है वो मिल जाएगा, एक अच्छी स्थिति है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा, इस चीज़ को अगर हम जाने तो मैं ये कह सकता हूँ कि जुपिटर आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। जुपिटर का 10th हाउस में होना अपने आप में एक बेहतर स्थिति दिखा रहा है, और शुक्र का पहले घर में, तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें आपकी प्रमोशन, आपके नाम, आपके नेम और फेम में काम वाई जो है, चाहे वो आपका जॉब है और चाहे आपकी बिजनेस है, उसमें एक एक आपकी हिम्मत से आप अपने आयाम को, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे और उसमें आपको लाभ मिलेगा और एक अच्छा स्टेटस आप बना पाएंगे। इंडिविजुअली पर्सनली अगर मैं कहूँ तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन जब आजू बाजू देखता हूँ, जब हम रिश्तों को देखते हैं, जहाँ से कनेक्शन है, वहाँ से कुछ आदान प्रदान होता है, वहाँ पे निश्चित तौर पे कुछ कमियाँ हैं। तो आप इस बार इस सारसदी का ये लाभ लेंगे, इस सूर्य की स्थिति का ये लाभ लेंगे, आप खुद को एस्टैब्लिश करने में पूरा समय लगाएंगे तो इससे लाभ होगा। और इससे होगा क्या कि आपको धन की आमद होगी, आप अच्छा पैसा या अच्छी चीज़ें स्टोर कर लेंगे जो आपके आने वाले समय में आपकी सहायता करेंगी। यात्राओं का सिलसिला दिख रहा है इस बार, यात्राएं के लिए अचानक से यात्राएं होंगी, उसके लिए तैयार रहें और यात्राएं शुभ हों ये जरूर आप इसके लिए कुछ उपाय करें, क्योंकि अक्सर कर लेट डाउन से जुड़ी ही, क्योंकि शनि सौरों से जुड़ा हुआ रहता है, लगन का मालिक पीछे बैठा तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये कमियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। तो यही कहूँगा कि इससे बचने का तरीका क्या है, केसर का तिलक बहुत सिंपल सा उपाय है। केसर का तिलक लगाते रहने से आपके धन की वृद्धि होगी और यात्राओं में जो है आप कहीं ना कहीं आपका मन शांत रहेगा और उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि आप डिपेंडेंट ना हो के इंडिपेंडेंट बने इस महीने में, तो आप सब कुछ हासिल करेंगे, आपको अपने आप से ही ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। लेकिन ऐसी ईगो ना बनाएं कि कोई आपके पास अगर आना चाहे तो आप उसको भी ना आने दें, तो मिलाप थोड़ा सा रखें लेकिन एक एक दायरा उसका आपको निश्चित करना होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे चाहिए सब्सक्राइब जो इस चैनल को, ताकि मैं बनाए रखूँ आपके सामने नई वीडियोस लेके आऊँ। अब मैं मिलूँगा और बात करूँगा आपकी राशि के बारे में मंथ ऑफ मार्च में, मार्च के महीने में, और तब तक के लिए मैं कहूँगा आपका मंगल हो, नमस्कार।